हिंदी में मात्राओं का ज्ञान बहुत जरूरी है, और कंप्यूटर में कृतिदेव फॉन्ट को यूज करते हुए मात्राएं किस प्रकार लगाई जाती हैं, आइए इस वीडियो से सीखते हैं। सबसे पहले हम मात्राओं और कुछ अन्य चिन्हों को जो कि हिंदी में यूज किए जाते हैं उनको जान लेते हैं। आ, आ की मात्रा इस प्रकार से लिखी जाती है, और इसको लिखने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है के। तो इस टेबल से आप समझ सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, आ के लिए आपकी मात्रा ये रहेगी, और इसको कृतिदेव 020 कृतिदेव का कोई भी फॉन्ट हो, आपको आ लिखने के लिए, आ की मात्रा लगाने के लिए, आ लिखने के लिए नहीं बल्कि आ की मात्रा लगाने के लिए आपको के प्रेस करना है। छोटी ई की मात्रा के लिए आपको एफ प्रेस करना है। बड़ी ई की मात्रा के लिए आपको एच प्रेस करना है। छोटे ऊ की मात्रा के लिए क्यू प्रेस करना है। बड़े ऊ की मात्रा के लिए डब्ल्यू प्रेस करना है। ए की मात्रा के लिए जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसके लिए स्मॉल एस प्रेस करना है। ए की मात्रा के लिए कैपिटल एस प्रेस करना है। ओ की मात्रा दो अक्षर से मिलकर बनी है, के और एस। के से आ की मात्रा आ जाती है, एस से उसके साथ ऊपर मात्रा लग जाती है। इस तरह ओ के लिए भी के और कैपिटल एस। अंक की मात्रा के लिए ए, और आ की मात्रा के लिए परसेंटेज का निशान कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे। आपका फॉन्ट कृतिदेव 02010 कोई भी होगा तो ये आ जाएगा। चंद्रबिंदु लगाने के लिए आपको कोड प्रेस करना है Alt+0161। री की मात्रा के लिए आपको ये निशान प्रेस करना है, इस की को प्रेस करना है जो बिल्कुल आपको एस्केप के नीचे मिलेगा और टैब के ऊपर मिलेगा। अगला जो चिन्ह है वो आपका सर्प पे लगने वाला रॉ, अक्षरों के ऊपर लगने वाला रॉ जिसे रेफ भी कहा जाता है, वो कैपिटल जेड से आएगा। और नीचे लगने वाला रॉ यानी जैसे ट्र लिखते हैं उसके लिए कोड है Alt+0170। और इस तरह क के नीचे रॉ लगना, म के नीचे रॉ लगना उसके लिए जेड है, और डॉक्टर के ऊपर लगने वाला ओ वो कैपिटल डब्ल्यू, और हलंत करने के लिए आपका ये साइन रहेगा कीबोर्ड पे एस्केप के नीचे, ये शिफ्ट के साथ यूज करेंगे आप। और किसी भी शब्द के नीचे बिंदी लगाने के लिए आपको प्लस का निशान यूज करना है, शिफ्ट के साथ आ जाएगा। दोस्तों कोमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोमा जो सिंगल कोमा लगाते हैं लिखते वक्त उसके लिए आपको ये ब्रैकेट प्रेस करेंगे। पूर्ण विराम के लिए कैपिटल ए, अर्ध विराम के लिए ब्रैकेट, और कोमा अगर आप सिंगल कोमा स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये साइन जिस की पे है, सिक्स नंबर की जिस पे सिक्स लिखा है उसको प्रेस कर देंगे। और ऊपर का ही कोमा जो सिंगल कोमा होता है, जिस सिंगल कोमा में जब आप कुछ लिखते हैं तो उसके लिए जो क्लोजिंग कोमा है उसके लिए आप स्टार वाली की प्रेस कर देंगे। नंबरों में से जहां पे एट लिखा है साथ में उसकी को प्रेस कर देंगे। स्लैश के लिए आप @ प्रेस करेंगे। क्वेश्चन मार्क के लिए आप स्लैश प्रेस करेंगे, स्लैश की को प्रेस करना है, और प्लस का निशान लेना है तो उसके लिए आप $ यूज करेंगे। अब इनको कैसे यूज करना, आइए दोस्तों आगे के हिस्से में हम ये सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉन्ट हम चूज कर लेंगे कृतिदेव 020। आप यहाँ लिस्ट में आकर के फॉन्ट कृतिदेव 020 को चूज कर लीजिए, या कृतिदेव 010 कोई भी फॉन्ट इनमें से आप चूज कर लीजिए। उसके बाद हम लिखेंगे, हम क लिखेंगे। क लिखने के लिए हमने प्रेस किया डी, स्पेस दिया तो क आधा हो जाता है, आप कंट्रोल जेड कर लीजिए ये ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद क के बाद हमने फिर से लिखा क, और इसके साथ आ की मात्रा लगानी है तो आ की मात्रा लगती है के से। अभी आपने ऊपर टेबल से जाना, आप इस तरह से आप इस टेबल को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, इस फाइल को प्रिंट आउट कर लीजिए और आप देख सकते हैं आ की मात्रा के लिए के। फिर अब दोस्तों क के साथ छोटी की मात्रा लगानी है तो मात्रा पहले आती है, इसलिए आप एफ प्रेस करिए, पहले मात्रा लीजिए फिर क लिखिए। फिर बड़ी ई की मात्रा क के साथ लगानी है तो क को लिखा,
और एच लगा दिया, फिर कौ के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगानी है तो आप क्यू लगा लीजिए, और कौ के साथ बड़ा ऊ की मात्रा लगानी है तो डब्ल्यू, कौ के साथ ए की मात्रा तो कौ के लिए डी और ए की मात्रा के लिए एस, और कौ के साथ अगर आपको ए की मात्रा लगानी है, दो मात्राएं लगानी है, तो आप शिफ्ट के साथ एस कर दीजिए, यानी कैपिटल एस कर दीजिए। ओ की मात्रा लगानी है कौ के साथ तो डी से कौ आया, और ओ के लिए आपको सबसे पहले आ इसके साथ कर दिया, फिर उसके बाद एस प्रेस किया तो को बन गया। इसी तरह से कौ के लिए डी प्रेस किया कौ आया, फिर आ की मात्रा के लिए के प्रेस किया और शिफ्ट के साथ एस यानी कैपिटल एस प्रेस किया तो ओ बन गया, और फिर कौ के साथ बिंदी लगाने के लिए आप ए प्रेस करिए, कौ के लिए डी और बिंदी के लिए ए, और आ के लिए आप क्या करेंगे, कौ के साथ कौ के लिए डी लिया और आ के लिए शिफ्ट के साथ परसेंटेज साइन किया तो ये आ गया। अगला अक्षर है ख, ख के लिए आप ब्रैकेट यूज कर लें। दोस्तों हिंदी कैसे टाइप की जाती है इसके लिए वीडियो पहले से ही इसी चैनल में अपलोड कर दिए गए हैं, जिन तक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पहुंच सकते हैं। ख के लिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट पर क्लिक किया, उसके बाद के प्रेस किया, ख बन गया। अब फिर से ख लिखा और उसको आ की मात्रा देनी है तो के से मात्रा दे दी, ई की मात्रा सबसे पहले दीजिए, उसके बाद ख लिखा, फिर ख को बड़े की मात्रा दे दी एच से, ख को छोटे ऊ की मात्रा दे दी हमने क्यू से, ख लिखा उसको बड़े ऊ की मात्रा दे दी हमने डब्ल्यू से। पूरा ख लिखने के लिए दो की यूज की जा रही है, स्क्वायर ब्रैकेट एंड के। ए की मात्रा के लिए एस प्रेस किया, इसी तरह ए की मात्रा के लिए शिफ्ट के साथ एस प्रेस किया, ओ की मात्रा लगाने के लिए फिर के किया और एस प्रेस कर दिया। और शिफ्ट के साथ एस प्रेस किया, ए प्रेस किया और परसेंटेज साइन शिफ्ट के साथ, और पूर्ण विराम के लिए शिफ्ट के साथ ए प्रेस कर दीजिए। यहां भी हम कर देते हैं इस तरह पूर्ण विराम। अब गो के लिए एक्स प्रेस किया, आ के लिए गो के लिए एक्स प्रेस किया और आ की मात्रा के लिए केल साथ में लगा दिया, ई के लिए पहले मात्रा लेनी है। ध्यान रखना है जब भी आप छोटे ई की मात्रा यूज करना चाहें तो आपको पहले मात्रा लेनी है फिर अक्षर लिखना है। बड़ी के लिए एच प्रेस किया, ग के लिए एक्स प्रेस किया और क्यू से छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, एस से मात्रा ए की लगा दी शिफ्ट के साथ, ओ के लिए मात्रा हम के लेते हैं और एस लेते हैं, कैपिटल एस लेके ओ की मात्रा कर लेते हैं, और आ कर दिया, और इस तरह से ओ के लिए आपने क्वेश्चन मार्क लेना है यानी शिफ्ट के साथ लेना है, फिर उसके बाद के प्रेस कर देना है। आ की मात्रा कर दी, घा के बाद छोटी की मात्रा के लिए एफ लिया, फिर क्वेश्चन मार्क लिया शिफ्ट के साथ और आ की मात्रा के लिए
के लिए। आ का मात्रा यानी घ जो आता है, आधा घ आता है, और उसको पूरा करने के लिए हम आ की मात्रा से उसको पूरा कर देते हैं। और बड़ी ई की, और बड़ी ई की मात्रा के लिए एच। इन मात्राओं की हेल्प से, इनके लिए दिए गए कोड से आप पूरी की पूरी मात्रा लास्ट तक आप लिख सकते हैं। अब इसी में आते हैं, जैसे यहां तक तो आ की मात्रा तक तो बिल्कुल आसान है, या आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अब चंद्र बिंदु कैसे लगाते हैं, तो चंद्र बिंदु हम लगाना सीखते हैं इसके बाद। सबसे पहले क लिखा, क पे चंद्र बिंदु लगाने के लिए क लिखा, क के बाद आपने कोड प्रेस कर देना है 0, एल्ट के साथ आपने कोड प्रेस कर देना है 0161, और आपका क के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाता है। अब जैसे ख पे चंद्र बिंदु लगाना, तो ख लिखने के लिए पहले आप ख लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट से हमने आधा ख लिया, फिर के से उसको पूरा किया, और चंद्र बिंदु के लिए एल्ट प्लस 0161, इस तरह से ख आ गया। ग पे हम चंद्र बिंदु लगा लेते हैं, ग लिखा एक से और उसके ऊपर 0161 कोड प्रेस किया और चंद्र बिंदु आ गया। री की मात्रा के लिए क लिखा, और उसके बाद आपने एस्केप के ठीक नीचे जो की दिख रही है आपको, उसकी को प्रेस कर देना है, तो री की मात्रा आ जाएगी। जैसे ग लिखा, ग के नीचे री की मात्रा लगा ली, ग लिखा उसके लिए शिफ्ट के साथ जेड कर दिया, यानी कैपिटल जेड। जैसे अब सर्प लिखेंगे तो एल प्रेस किया, 100 आया, उसके बाद आई से प आया और उसके ऊपर कैपिटल जेड लिख दिया, तो सर्प बना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ट लिखेंगे, शिफ्ट के साथ वी किया, ट आया, और उसके बाद कोड प्रेस कर देंगे एल्ट प्लस 0170, तो ट के नीचे रो आ गया। इसके बाद कुछ शब्दों के नीचे रो लगता है, उसे हम जेड से यूज करते हैं। जैसे अभी क लिखा, जैसे म लिखा, और इसके नीचे र लगाना है, तो सिंपल आपने जेड प्रेस कर देना, तो म र बन गया। न लिखा, नीचे जेड प्रेस किया, सिंपल स्मॉल जेड प्रेस किया और र लग गया। इसके बाद कई बार चांद बिंदु जैसा ही एक साइन यूज किया जाता है, लेकिन उसमें बिंदी नहीं होती है, उसको कैसे लगाते हैं। जैसे डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर के लिए आप पहले डॉ लिखेंगे, डॉक्टर के लिए आप डॉ लिखेंगे शिफ्ट के साथ एम, यानी कैपिटल एम, उसके बाद आ की मात्रा लगा दी, और उसके बाद आपने कैपिटल डब्ल्यू कर देना है, तो डॉक्टर के ऊपर का चांद आ जाएगा बिना बिंदी के। ये कहीं भी आप लगा सकते हैं, जैसे क लिखा, क के ऊपर आप चांद लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, शिफ्ट के साथ डब्ल्यू कर दीजिए, आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों, हिंदी में कुछ अक्षरों को हलंत किया जाता है, हलंत यानी उनके नीचे एक छोटा सा साइन लगाया जाता है, जैसे क लिखा और उसके बाद आप इस साइन को लगा दीजिए, हलंत कहलाता है। हलंत का साइन लगाने के लिए आपको प्रेस क्या करना है, एस्केप के नीचे जो साइन आता है, एस्केप और टैब के बीच में जो की आती है, उसको आपने प्रेस कर देना है, जिसे एक्यूट साइन भी कहते हैं। जैसे मॉ लिखा और साइन शिफ्ट के साथ इसे प्रेस कर देंगे, तो यह हलंत हो जाएगा। किसी भी अक्षर के नीचे बिंदी लगानी है, तो उसको हम प्लस से लगाते हैं, जैसे शब्द लिखा तो, और शिफ्ट के साथ आप प्लस कर दीजिए,
शिफ्ट के साथ आप प्लस प्रेस कर दीजिए, बैकस्पेस के बिल्कुल साथ में जो है अभी, सौ लिखा और ये कर दिया, सौ जो लिखा और शिफ्ट के साथ आपने प्लस कर दिया तो जो। तो शब्दों के नीचे बिंदी लगाना है दोस्तों। इसके बाद है कॉमा कैसे हम लगाते हैं, सिंगल कॉमा। तो क लिखा और उसके बाद आपने प्रेस कर देना है स्क्वायर ब्रैकेट, सीधे जो आपका एंटर के साथ में कर्ली ब्रैकेट वाला की जो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट उसको प्रेस कर देना है। जैसे इसके बाद ख लिखते हैं और कॉमा लगाते हैं, ये सिंगल कॉमा। अर्धविराम यानी जैसे क लिखा, क के बाद ये अर्धविराम कहलाता है, सेमी कॉलन जिसे हिंदी में कहते हैं। सेमी कॉलन सेमी कॉलन से नहीं आएगा, इस बात को ध्यान से नोट करिएगा। कृतिदेव फॉन्ट अगर आपने सिलेक्ट किया है तो सेमी कॉलन की से नहीं आएगा, ये आपका ब्रैकेट वाली की से आएगा। स्टार्टिंग ब्रैकेट जो होता है सिंपल ब्रैकेट, जो नाइन नंबर की, जिस की पे नाइन लिखा है नंबर में, उस की से आएगा। इसके बाद जैसे कोई शब्द लिखते हैं उसे हम सिंगल कॉमा में रखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सिंगल कॉमा लगा देता हूं, तो सिंगल कॉमा आप यहां से लेंगे, यानी जो आपकी ऊपर की तरफ वी बना है, यानी उल्टा वी जो है सिक्स नंबर कीज पे, उसको प्रेस कर देंगे। वी जैसा जो साइन है आपके सिक्स नंबर जहां पे लिखा है की में, उसको आप प्रेस कर देंगे। और उसके बाद आप कुछ भी लिख लीजिए, जैसे हमने ये लिखा, और इसके बाद कॉमा क्लोज करना है तो स्टार से कर दीजिए। तो ये दो कॉमा आपके, ये स्टार्टिंग कॉमा और ये क्लोजिंग कॉमा, ये कॉमा आपका कहां से आ रहा है, सिक्स नंबर जहां लिखा है की में, और ये कहां आ रहा है जहां पे आपका स्टार लगा एट नंबर की। इसके बाद दोस्तों स्लैश लगाना है, तो स्लैश स्लैश से नहीं आता है, स्लैश के लिए आपको जो प्रेस करना है वो एट द रेट है। जैसे कई बार आप कुछ लिखते हैं, जैसे माता स्लैश, तो इसके लिए आप एट द रेट यूज करेंगे। पिता और दोस्तों कुछ अक्षर और शब्दों के लिए कोड हैं, जैसे चांद बिंदु के लिए कोड है एल्ट प्लस 0161, यहां से आप इसको नोट कर लीजिए और चंद्र बिंदु आपका आ जाएगा। अभी अभी हमने इसको लगा के देखा। अब इसी तरह से आधा त्र लिखना है तो कोड है 0171, ट के नीचे र लगा एल्ट प्लस 0170, ब्रैकेट लगाना 188 एल्ट के साथ।